Hey, what's up guys? Anuj here, और ये second part है mathematics for computer programming का, और इसके अंदर हम बात करेंगे modular mathematics के बारे में। पिछली वीडियो में दिखा दे कैसे काम करता आपका सी ऑफ इलेक्ट्रोसिन और GCD कैसे काम करता है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज गो चेक दैट आउट, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं modular mathematics के बारे में, तो इसके सारे सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जरा वो देखते हैं कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं modular mathematics के ऊपर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। modular mathematics होते क्या है ना कि काफी बार आपने भी देखा होगा कि कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपके बोलते हैं कि जो आपको रिजल्ट प्रिंट करना है वो आपको प्रिंट करना है मॉड्यूलो 10^9+7। ये आपने काफी बार देखा होगा अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी है थोड़ी सी भी, या फिर अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस इन जनरल करे हैं ऑनलाइन जजेस के ऊपर, वो कह देते हैं कई बार कि जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो मॉड्यूलो दिस होना चाहिए, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बड़ा प्राइम नंबर ही होता है, राइट। और ये काफी अच्छी ट्रिक होती है जिससे कि आपका एक बड़े नंबर्स छोटे नंबर में मैप हो जाते हैं। बहुत सारे नंबर जो अलग अलग फैले हुए हैं वो एक छोटी रेंज के अंदर मैप हो जाते हैं, और इसका यूज़ हम काफ़ी जगहों पे करते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं मॉड्यूलर का, और भी मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। और मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, तो आज जरा ठीक से समझ लेते हैं। और कंप्यूट a^b mod n ये भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमें काफ़ी बार यूज़ होता रहता है कि a^b निकालो। a^b निकालने के लिए अगर मैं आपको बोलूँगा तो काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे कि एक फॉर लूप लगाएंगे b टाइम्स, और उसके अंदर a को मल्टीप्लाई करते रहेंगे b टाइम्स, और फाइनल रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन इससे आपका लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, राइट। ओ ऑफ बी, बिग ओ ऑफ बी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। लेकिन अगर हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है तो एक ऑप्टिमाइज वे में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा a^b log b के अंदर आ जाएगा, ठीक है। log b के अंदर हम a^b निकाल सकते हैं, और वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑप्टिमाइजेशन है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, log टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उससे हम निकालेंगे a^b, उसको हम कहेंगे फास्ट पावर, लेकिन साथ में मॉड्यूलो ऑपरेशन भी देखते हैं उसके ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। मैं आपको बेसिकली बता देता हूं मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता। तो मॉड्यूलो ऑपरेशन अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज करो मैं बोलता हूं आपको 7 modulo 4 निकालो, तो 7 modulo 4 का मतलब है कि ये जो मैथ नहीं करते थे हम बचपन में, 7 यहां लिखते हैं, 4 यहां लिखते हैं, फिर यहां 1 लिखते हैं, फिर 4 ones are 4 minus 3, ठीक है, इस तरीके से कुछ डिवीजन होता था। तो इसके अंदर ये जो नंबर है ये होता है आपका कोशेंट, राइट, ये होता है कोशेंट, और ये नंबर होता है आपका रिमाइंडर। ये होता है आपका कोशेंट और ये होता है आपका रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर होता है ना बेसिकली यही मॉड्यूलो ऑपरेशन जो होता है ना, ये रिमाइंडर ही आपको रिटर्न कर रहा होता है। तो ये जो रिमाइंडर है यही आपका 7 modulo 4 है, तो रिमाइंडर आप है 3, तो ये भी आपका होगा 3, 7 modulo 4 is 3। तो a^b को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखते हो या फिर ऐसे लिख दो, जब भी इवन है तो ये लिख दो, बी ऑड है तो ये लिख दो। इसको मैं जरा प्रूफ भी कर देता हूँ आपके सामने। तो सपोज करो 3^5 आपको निकालना है 5, तो 3^5 को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि बी ऑड है, 5 ऑड है, तो इसको लिख सकते हैं 3 multiply by 3^4, राइट। तो 3 multiply by 3^4 भी आपका 3^5 के बराबर ही होता है, और या फिर हम लिख सकते हैं सपोज करो 5^4 है, ये निकालना आपको, क्योंकि आपका ये 4 इवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 square मतलब 25 की पावर 4/2 विच इज 2। तो 5 की पावर 4 को लिख सकते हैं 25 की पावर 2। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ता जा रहा हूँ, और इसे समझ में आ रहा हो आपको मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस एंगल में सोच रहा हूँ। तो बेसिकली रिकर्जन, रिकर्जन में हम यही करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो बेस केस हिट ना कर जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को जरा चलाते हैं, और इसके बाद इसी के और हम देखेंगे कैसे a^b mod n निकालते हैं, और इससे सॉल्व क्या होने वाला है, इससे बेसिकली ये सॉल्व होगा। होता है ना कई बार बड़े से नंबर की पावर निकालनी होती है, एक बड़ा सा नंबर, और जो रिजल्ट आता है वो आपका समा ही नहीं सकता, किसी ना एंड में समा सकता ना लॉन्ग के अंदर समा सकता। सपोज करो 6 डिजिट का नंबर है या 8 डिजिट का नंबर है, इसकी पावर एक 10 डिजिट का नंबर है, तो इतने बड़े नंबर को आप नहीं संभाल सकते किसी चीज़ के अंदर, राइट। तो वहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन काम आ रहा होता है, और वो मॉड्यूलो ऑपरेशन हम देखेंगे कैसे काम करता है, और इतने बड़े नंबर की पावर को आप कैसे एक बड़े एलिगेंट तरीके से निकाल सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। तो सबसे पहले तो मैं फास्ट पावर वाला ये जो चीज़ लिखा है इसको मैं यहाँ पे कोड कर देता हूँ। तो स्टैटिक इंट, इसका नाम मैं रखूँगा फास्ट पावर, ये दो नंबर लेगा इंट ए एंड इंट बी, और ये रिटर्न करेगा a^b, ठीक है। तो एक मैं बनाता हूँ रिजल्ट, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 1 से, और वाइल बी इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक बी मेरा 0 से बढ़ा है तब तक मैं ये लूप चलाऊंगा, और इस लूप के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि क्या मेरा बी ऑड है। तो अगर इफ़ बी इज़ ऑड, मतलब इफ़ बी मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, बी मॉड्यूलो 2 अगर 0 के बराबर नहीं है तो बी आपका ऑड है बेसिकली। या तो ऐसे लिखो, या फिर इससे एक अच्छी चीज़ होती है लिखने की, वो ये कि मॉड्यूलो ऑपरेशन आपका काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करता है, तो उससे अच्छा अगर आपको इवन ऑड ही चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं इससे,
हम लिखेंगे b एंड 1. इफ b एंड 1 इज नॉट 0, तो एंड ऑपरेशन कर रहा हूं मैं b और 1 का, और अगर ये 0 आ रहा है क्योंकि एक ऑड नंबर का जो सबसे लास्ट वाली बिट होती है, ठीक है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है एक ऑड नंबर की, वो हमेशा 1 होती है, और एक इवन नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 0 होती है. तो अगर आप उसका एंड करते हो 1 से, तो अगर इवन होगा तो आपका आंसर आएगा 0, और अगर ऑड होगा तो आपका आंसर आएगा नॉन जीरो. तो अगर आपका बी ऑड है तब तो हमें ये करना है कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, तब तो हमें सिंपली रिजल्ट के अंदर ए मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हम यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ए मल्टीप्लाई करते रहते हैं सिंपली, ठीक है. और अब क्या करेंगे कि ए को बड़ा कर देंगे, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, और बी को कर देंगे हाफ, बी इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय टू, ठीक है. तो b इक्वल टू b डिवाइड बाई टू ना करने की वजह हम इसको ये भी कर सकते हैं कि b इक्वल टू b राइट शिफ्ट 1. तो किसी नंबर को अगर राइट शिफ्ट 1 से कर देते हैं तो वो डिवाइड बाई टू ही होता है उसका, और अगर लेफ्ट शिफ्ट 1 करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई टू हो जाता है. तो हमें यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो ऑपरेशन जितने कम से कम यूज़ कर पाएँ उतने करने चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बिटवाइज ऑपरेशन यूज़ कर पाएँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये जो होते हैं वो डायरेक्ट बिट पे काम करते हैं, और बिट पर जब डायरेक्ट नंबर काम कर रहा है, कोई ऑपरेशन काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है, राइट. तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे जब तक कि हमारा b ग्रेटर देन 0 है, और जैसे ही b आपका 0 हो जाता है वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट. तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और इसे चला के देख लेते हैं ये सही चल रहा है नहीं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फास्ट पावर, सपोज 3 रेज़ पावर 5 निकाल रहा हूँ, तो ये आपका आएगा 243, तो 243 आ गया, ठीक है, 243 आ गया. तो इस तरीके से आपका फास्ट पावर काम करता है, ये तो नॉर्मल तरीका था, लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं कि ये जो मैं बताने वाला था आपको मॉड्यूलो अरिथमेटिक कि कैसे काम करता है, ए रेज़ पावर बी मॉड्यूलो एन बड़े नंबर्स के लिए वो कैसे काम करता है. तो उसके लिए आपको जानना होगा यार, आपको आई थिंक पता भी ऑलरेडी, अगर आपने वो जावा वाली वीडियो देखी थी जो मैंने बनाई थी, कि इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके 32 बिट के होते हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग होते हैं आपके वो 64 बिट के होते हैं. तो इंटीजर अगर 32 बिट का, इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर्स आ सकते हैं वो आपके -2×10^9 से लेकर +2×10^9 तक ही आ सकते हैं, इतने ही बड़े नंबर की रेंज है इसके अंदर. इससे बड़ा नंबर इसके अंदर आप लाने का ट्राई करोगे तो वो नंबर ओवरफ्लो कर जाएगा. तो इस तरीके से वो आपके नंबर अगर बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो इंट की रेंज को पार कर जाते हैं, इंट को ओवरफ्लो कर जाते हैं, और जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है वो एक बहुत ही अजीब रिजल्ट आता है. जरा मैं बता भी देता हूं आपको, सपोज करो मैं निकालता हूं इतने बड़े नंबर की पावर ये बड़ा नंबर, ये तो सिस्टम ही बैठ जाएगा. इतने बड़े नंबर की पावर 5 निकालता हूं मैं, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली वही इंटीजर ओवरफ्लो कर गया यहाँ पे, क्योंकि हमने कह रखा है कि जो रिजल्ट है वो आपका एक इंटीजर है, और आप यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन करो, ए मल्टीप्लाई बाय ए और ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो इतना बड़े नंबर को नहीं समझ सकते. तो उसके लिए हम करते हैं मॉड्यूलो कर देते हैं. तो एक ले लेता हूँ मैं ए रेज़ पावर बी मॉड एन. तो अब ये जो फास्ट पावर वाला तरीका ये निकालेगा ए रेज़ पावर बी मॉड्यूलो एन, ठीक है. बेसिकली मॉड्यूलो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑपरेशन में, और वो प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अगर आपको बोला है कि ए प्लस बी मॉड एन निकालो तो वो इसके बराबर होता है, ठीक है. अगर आपको बोला है ए प्लस बी मॉड एन निकालो तो उसके बराबर होता है ए मॉड एन प्लस बी मॉड एन और होल की मॉड एन, ठीक है. सिमिलरली अगर आपको ए प्लस की जगह ए मल्टीप्लाई लिखा है तो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है, माइनस भी होगा तो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलो की, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं यहाँ पर, सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि हमें ये बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इनके मॉड्यूलो को ही मल्टीप्लाई करना पड़े, और फाइनली जो इनका रिजल्ट आएगा उसको मॉड्यूलो करना पड़े एन के साथ, ठीक है. तो हो सकता है कि ये नंबर भी आपका ओवरफ्लो कर जाए, राइट, कि आपने ए मॉड्यूलो एन किया, और सपोज करो आपका ए था पहले 10^12 की रेंज का, और बी आपका था सपोज करो 10^10 की रेंज का, तो इतने बड़े नंबर की पावर इतना बड़ा नंबर. जब आप मॉड्यूलो एन कर रहे हो और सपोज करो आपका जो एन है वो दे रखा उन्होंने 10^9+7, तो 10^9 की रेंज का है, तो ये इंट के अंदर आ रहा है, ये दोनों आपके इंट के अंदर नहीं आ रहे. आपने इन दोनों का मॉड्यूल लिया तो आपका सपोज करो कैसे भी करके नंबर अभी भी, क्योंकि 0 से लेकर 10^n तक जा सकता है आपका नंबर मॉड्यूल लेने के बाद भी, तो ये नंबर भी आपका सपोज करो 10^9 आ गया और ये नंबर भी आपका 10^9 आ गया. तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों को आपने इंट बना रखा है तो जो रिजल्ट आएगा ना वो अभी भी ओवरफ्लो करेगा, ठीक है, रिजल्ट आपका अभी भी ओवरफ्लो ही करने वाला है. तो या तो एक काम करो, इन दोनों नंबर को टाइपकास्ट कर लो लॉन्ग के अंदर, क्योंकि लॉन्ग आपका 9 को संभाल लेगा, ठीक है, या तो इन दोनों को टाइपकास्ट कर लो लॉन्ग के अंदर, या फिर इनिशियली ही ए और बी को लॉन्ग बना के चलो जिससे कि आपकी ये चीज़ ना हिट करे, ठीक है. तो या तो ए और बी को ऑलरेडी लॉन्ग बना दो जिससे कि अगर इतने बड़े नंबर से भी आप डील कर रहे हो तो भी आप बच जाओ,
या फिर इन दोनों को टाइप कास्ट करो, तो टाइप कास्ट करने में काफी ज्यादा झंझट होती है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली इन दोनों को लॉन्ग कर दूंगा। सिमिलरली मैं आपका रिजल्ट भी यहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूँ, और वाइल बी ग्रेटर देन जीरो, तो ठीक है यहाँ पे ये भी लॉन्ग हो जाएगा। कूल, तो अब मुझे करना क्या है कि ये तो ठीक है, और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमने देख लिया है, लेकिन हमने एक और प्रॉपर्टी देखी है कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मॉड एन एंड ए मॉड एन और इसका होल मॉड एन, ठीक है। तो ये हमने देखा था ना अभी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मॉड एन क्या होता है, वो ये होता है। तो मैंने वो चीज यहां लिखी है कि रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ए मॉड एन इसके बराबर है, रिजल्ट मॉड एन मल्टीप्लाई बाय ए मॉड एन और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड एन, ठीक है। और एक चीज आप और देखोगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा ये आ रहा है, मॉड एन होकर आ रहा है, फाइनली मॉड एन हो रहा है, इसका मतलब रिजल्ट कभी भी आपका एन को पार करेगा ही नहीं। तो कोई नंबर अगर मॉड्यूलो से छोटा है तो उसका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। थ्री मॉड फाइव हमेशा थ्री आएगा क्योंकि थ्री फाइव से छोटा है, तो इस चीज को मैं यहां से हटा सकता हूँ क्योंकि रिजल्ट मॉड एन आपका हमेशा रिजल्ट ही आएगा। तो ये मैंने हटा दिया यहां से और ए मॉड एन कर दिया इसे, और यहां पे ये कर दिया, ठीक है। और यहां पर भी सेम वही चीज, ए मॉड एन मल्टीप्लाई बाय ए मॉड एन और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फाइनली कर देंगे हम मॉड एन, ठीक है। और बी को बी से, बी को दो से डिवाइड करते आते हैं हर बार, कोई इशू नहीं है। तो अब ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये एक वैलिड फॉर्म में आने वाला है, और जरा यहाँ पे हम करते हैं 10^9+7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे चलाता हूँ मैं। तो पहले जो इतना अजीब सा नंबर आ रहा था रिजल्ट आपका, आप देखते हैं क्या आता है। तो अब ये जो आंसर आ रहा है ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होता, लेकिन अगर आपको करना है ना, अगर आपको पता लगाना है कि ये सही आंसर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इतने बड़े नंबर को लेना है 3978432, इसकी पावर निकालो 5, इसकी पावर 5 निकालो जो एक बहुत ही बड़ा सा नंबर होगा, और उसका मॉड्यूलो निकालो फिर 10^9+7, वो यही नंबर आने वाला है जो हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। तो हमें ये बड़ा सा नंबर निकालने के बाद 10^9+7 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता थी ये वाली कि हम छोटे छोटे नंबर्स पर भी ऑपरेशन करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आने वाला है। तो हमने पहले ये इसकी पावर 5 नहीं निकाला, हमने पहले इसको छोटा छोटा किया और उसके बाद फिर ये हमने निकाला, तो भी सेम आंसर आ रहा है। तो आई होप यार आपको समझ आएगा कैसे मॉड्यूलो ऑपरेशन काम करते हैं, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेशन के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटा छोटा कर देती हैं, और काफी जगहों पर यूज हो रहा होता है ये। तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है और हमें नहीं पता होती चीजें, और इसकी वजह से हमारा इंटीजर ओवरफ्लो कर जाता है, कभी लॉन्ग ओवरफ्लो कर जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है, राइट। आगे मूव करते हैं, तो कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं, और ये टॉपिक्स भी मतलब हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने ज्यादा मैंने कभी यूज होते हुए देखे नहीं। तो बिग इंटीजर बेसिकली होता क्या है कि आपको सपोज करो जैसे लॉन्ग के अंदर तो क्या होता है 10^18 तक नंबर जा सकते हैं, मतलब सिर्फ 18 डिजिट के नंबर्स को ये रख सकता है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये वैसे भी, लेकिन 18 डिजिट के नंबर ही आ सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको सपोज करो ऐसे नंबर बनाने जो कि 500 डिजिट के हैं, 1000 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े मतलब पूरी पूरी स्ट्रिंग है वो एक नंबर है, इसके साथ ऑपरेशन करने, तो जावा में कैसे करोगे, जावा के अंदर एक क्लास दे रखी उन्होंने बिग इंटीजर क्लास, और ये क्लास यार ज़्यादा कोई खास क्लास नहीं है, बेसिकली सारे ऑपरेशन इस क्लास के अंदर दे रखे हैं कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, प्लस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये सारे ऑपरेशन आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आपको एक बिग इंटीजर बनाना है वहाँ पे जाके, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बहुत इजी है, जाके आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा बेसिकली बिग इंटीजर कैसे काम करता है, आप जाके वो लिंक देख लेना। कैटलन नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है यार, बेसिकली कैटलन नंबर से आपके काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो आपको पता नहीं चल रहा था कि कैटलन नंबर सॉल्व होने वाला है। ये थोड़ा अलग डोमेन में चला जाती है सीरीज, इसलिए मैं इस वाली वीडियो के अंदर ये नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा एक जहाँ पे आप जाके कैटलन नंबर पढ़ सकते हो, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कैटलन नंबर यार, कई बार यूज हो जाती है लेकिन ये भी, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल बेसिकली एक बहुत छोटा सा अजीब सा प्रिंसिपल है जो कि काफ़ी जगह पर लग जाता है, ये देख लेना जाके, नीचे लिंक मिल जाएगा। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ आप सेट थ्योरी में आप पढ़ते हो, ठीक है, ए और यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी नहीं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो मैंने आपको बताई हैं, सी ऑफ रेडोसिन, जीसीडी और मॉड्यूलो अरिथमेटिक, क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ के अंदर जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन दिए हैं तो सबके अंदर मैं देखता आ रहा हूँ कि हमेशा इन तीनों में से कोई ना कोई एक होता ही है, ठीक है। तो मेरे से नहीं होती थी ये चीज़ें, तो मैंने एक दिन बैठकर ये सारी सारी चीज़ें खुद से पढ़ी, उसके बाद जाके कॉम्पिटिशन देने लगा, तो उसके बाद चीज़ें होने लगी थी,
ये मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा आपके साथ भी होता होगा मुझे पता है। तो इसीलिए ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज चीज़ें हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स, जीसीडी, मॉडुलो अरिथमेटिक, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज चीज़ें हैं और ये हमें कई बार नहीं पता होती, तो बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं हिल रहा होता। तो आई होप यार आज की वीडियो में आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, उस नए नए चैनल को अपना प्यार दो यार, अपने दोस्तों को बताओ कि अनुज भैया नाम का चैनल बना लिया, ठीक है, जाके बताओ। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।